हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर में पार्ट ए में से बेटा आज हम केस स्टडी एक सॉल्व करेंगे जो कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 पर बेस्ड है। तो फॉर्मूले आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत ही आसान चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा। सारा कुछ हमारा इन तीन साइड्स के ऊपर बेस्ड है और एक एंगल के ऊपर है ना। तो अगर ये और ये चाहिए आपको तो टेन थीटा बन जाएगा पी बाय बी। पी और एच है तो साइन थीटा, पी बी और एच है तो कॉस थीटा। बस ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चन में एक थीटा दिया होगा, एक साइड दी गई होगी और एक कुछ भी पूछेगा, एक साइड पूछेगा या दोनों साइड दी गई होंगी तो एंगल पूछ लेगा, है ना। तो आपको बस ये समझना है कि कौन सी चीज़ दे रखी है और इनमें से कौन सा रिलेशन मैं लगा सकती हूँ वहाँ पर। तो अपनी केस स्टडी देखते हैं बेटा। ऊंचाई एच पर उड़ता हुआ एक उपग्रह सैटेलाइट एक आपको दे रखा है जो कि इस तरीके से एफ पॉइंट है सैटेलाइट का और इसकी पूरी हाइट कितनी है कैपिटल एच, और कितने दो ऊंचे पर्वतों नंदा देवी जिसकी हाइट कितनी है, ये नंदा देवी है इसकी हाइट एडी दिखाई दे रही है और कितनी बता रखी है 7816 मीटर, और मुल्यान गिरी एक दूसरा पर्वत है जिसकी हाइट कितनी है 1930 पीएस है ये, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते जाते हैं साथ साथ जो भी कुछ हमें पता चल रहा है कि चोटी को देख रहा है, यहाँ से ये सैटेलाइट इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है, और यहाँ से अवनमन कोण क्योंकि ये ऊपर है तो नीचे की ओर देख रहा है तो अवनमन कोण बनाएगा 30 डिग्री का और 60 डिग्री का, इधर 30 डिग्री है और इधर 60 डिग्री, तो ये वाले कोण भी ये 60 का अवनमन बन रहा है इसलिए घूम के ये 60 आ गया, ऐसे ये 30 का बन रहा है तो ये इधर आ गया। दोनों पर्वतों के आधार की दूरी 1937 किलोमीटर है, पहले देखिए मीटर में दूरी दे रखी थी ये चीज, लेकिन आधार के बीच में किलोमीटर में दूरी है, और आधार कान से देखे जाएंगे डी और एस, डी एस कितना है 1937 किलोमीटर, तथा उपग्रह दोनों पर्वतों की दूरी के मध्य ऊंचाई पर है, आई के ऊपर है ना ये सैटेलाइट और ये कैसा है इन दोनों के बीच में, यानी कि डी एस का आधा है ये, डी आई और आई एस बराबर है और 1937 का आधा है, ये भी लिख लेते हैं 968.5 दो से भाग करके हमें पता चल जाएगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, नंदा देवी के शीर्ष से उपग्रह की दूरी डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ नंदा देवी। अब नंदा देवी का टॉप क्या है ए और सैटेलाइट है एफ, तो हमें क्या निकालना है इसका मतलब ए एफ। पहले हम अपना क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या क्या निकालना है, करेंगे अभी सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन है, मुल्यान गिरी के शीर्ष से उपग्रह की दूरी डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ मुल्यान गिरी। अब मुल्यान गिरी का टॉप है पी, तो इसका मतलब पी एफ चाहिए आपको यहाँ पे। नेक्स्ट है उपग्रह की भूमि से दूरी एफ की आई से डिस्टेंस, सो एफ आई, आई एफ निकालना है या एफ आई। यदि एक व्यक्ति नंदा देवी से 7816 मीटर की दूरी पर है, नंदा देवी की हाइट कितनी है 7816, और एक व्यक्ति वो कह रहा है 7816 की दूरी पर है, यानी कि बेस भी 7816 हो गया, तो बेटा एंगल बताइए। आपको ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि अगर परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में एंगल 45 डिग्री होता है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम यहाँ आंसर दे भी सकते हैं, ठीक है। अभी पहले ये चार क्वेश्चन हमने इनको सॉल्व करते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन ये था, ए एफ निकालना है आपको, ए एफ बेटा। अब देखिए डी आई हमें पता है, डी आई 1937 का आधा था, और जितना डी आई है उतना ही ए जी है ना, ये तो आपको पता ही है डी आई बराबर ए जी। अब इस ट्रायंगल को हम देख लेंगे जिसमें हमें बेस पता है और हाइपोटेनियस निकालना है, बी पता है, एच निकालना है, कोण भी पता है, तो बी और एच में कौन सा रिलेशन होता है कॉस थीटा का, यानी कि ए जी बटा ए एफ बराबर कॉस 30। बस अब वैल्यूज रख देंगे, ए जी 1937 बटा 2 है, हम डेसिमल वाला नहीं रख रहे क्योंकि काटने में आसानी रह जाएगी बेटा, है ना। ए एफ ऊपर चला गया और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, अब 2 से 2 कट गया, 1937 √3 नीचे आ गया, और √3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1.7 अप्रॉक्सीमेट होती है बेटा, तो इससे जब आप भाग करोगे आंसर आ जाएगा 1139.41
किलोमीटर, ए एफ आ गया आपका। ठीक है, तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना? ए। सेकंड पार्ट में हमें मुल्यानगिरी के टॉप से सैटेलाइट का डिस्टेंस बताना है, पी एफ। तो अगेन हम पी एस देखेंगे जो कि आई एस है, और जितना कि 1937/2 ही है, क्योंकि ये भी इसका आधा है पूरे डिस्टेंस का। तो जितना आई एस है उतना पी एच है। सेम जैसे फर्स्ट पार्ट में किया है, सेम वही कॉस 60 का रिलेशन लग जाएगा। पी एच 1937/2, पी एफ इधर गुणा हो गया ऊपर जाके, और कॉस 60 कितना होता है बेटा 1/2, 2 से 2 कट गया। पी एफ इज इक्वल टू 1937 किलोमीटर, ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट पार्ट में हमें आई एफ निकालना है, आई एफ यानी कि टोटल डिस्टेंस। अब देखिए बेटा, ए डी जितना ये जी आई है उतना ए डी है, और जी आई कितना है, जी आई देखो, जी आई हो गया 7816। अब जी आई के ऊपर एफ जी और रह गया निकालने के लिए, है ना। पहले लिखते हैं आई एफ किसके बराबर है। आई एफ इज इक्वल टू आई जी प्लस एफ जी। आई जी की वैल्यू हमें पता है क्योंकि ये ए डी के बराबर है, जितना ये है उतना ये है। तो ये 7816 मीटर हो गया, रह क्या गया निकालना, एफ जी। तो अगेन फिर से ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ए एफ जी, लेकिन अब की बार इसका पी निकालेंगे, बेस पता है और पी निकाल लेंगे। तो पी बाई बी में कौन सा रिलेशन लगेगा, 10:30। एफ जी आपका कितना हो गया, निकालना है हमें। ए जी कितना है, जितना नीचे 1937/2 है तो 1937 लिखा और 2 ऊपर चला गया, 10:30 1/√3। सारा कुछ सॉल्व करेंगे आप, 1937 ऊपर गया और 2 और √3 की वैल्यू रख दी 1.7। सारा सॉल्व करके हमारे पास आ गया 5 किलोमीटर। अब बेटा हमें क्या करना है, एफ जी को जी आई में जोड़ना है। एफ जी हमने निकाला किलोमीटर में, ये था मीटर में, तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 3 डिजिट्स छोड़ के आप डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 3 डिजिट छोड़ेंगे। सो इट इज 7.816 किलोमीटर, प्लस में ये वाले किलोमीटर जोड़ेंगे तो आंसर आ गया 577.52 किलोमीटर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिया था कि हमारा वो कहता है जितनी दूरी ये है उतनी दूरी पर कोई है, 7816 के डिस्टेंस पर कोई है, इसका मतलब P इज इक्वल टू B, दैट मीन्स एंगल इज 45 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन इसका है, भूमि पर 1 मील का पत्थर मुल्यानगिरी के शीर्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो मतलब मुल्यानगिरी ये है ना बेटा, इसके आगे हमने एक पॉइंट ले लिया K, और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है इसके P के साथ, 45 डिग्री का। PS कितना है, PS 1930 है, वो दे ही रखा था मुल्यानगिरी की हाइट। हमें क्या निकालना है, PK इसकी शीर्ष से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप। तो पी के हमें निकालना है, पी एस आपको पता है, पी के निकालना है तो साइन 45 का फॉर्मूला लगा पी बाई एच का, तो 1930 रखा, पी के ऊपर चला गया 1930, वर्गमूल 2 ऊपर चला गया बेटे। वर्गमूल 2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1.4। अब इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया 2702 मीटर। अगेन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, इसका मतलब यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है बेटा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप अपना क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करके छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपना ही क्वेश्चन काट दिया, जैसा आपको लग रहा है आप उसको एज इट इज़ करके एक बार रीचेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा आंसर सही है, देन लीव इट देयर। ठीक है बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।